लोकसभा से पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। आखिरी घंटे में बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 131 अंक, निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद। रियल्टी और आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट, बैंकिंग मेटल में रही खरीदारी। कोल स्कैम में जेएसपीएल के 4 पूर्व अफसरों समेत 5 आरोपियों को अंतरिम जमानत, सीबीआई के वकील ने सुशील मारू और आनंद गोयल की बेल का विरोध किया, धमकी देने का आरोप। माइक्रोसॉफ्ट, ईबे और टेंसेंट का भारत में अब तक का सबसे बड़ा दांव, फ्लिपकार्ट में 140 करोड़ डॉलर का किया निवेश, माइक्रोसॉफ्ट बनी फ्लिपकार्ट की स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मध्य प्रदेश में भी शराब होगी बैन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, चरणबद्ध तरीके से लागू होगी शराबबंदी, नर्मदा नदी के किनारों से हटेगी शराब की दुकानें। जेपी ग्रुप के डायरेक्टर समीर गौड़ और मनोज गौड़ समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा, गिरफ्तारी को लेकर ग्राहकों ने किया प्रदर्शन, अथॉरिटी कर रही है आम्रपाली ग्रुप का ऑडिट। राजधानी में आज शाम 6 बजे एनडीए की बड़ी बैठक, गठबंधन में शामिल सभी 32 दलों के नेता रहेंगे मौजूद, राष्ट्रपति चुनाव पर भी मंथन संभव। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 अहम समझौते, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के लिए ग्लोबल स्तर पर तालमेल जरूरी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ दिल्ली मेट्रो में पीएम मोदी की यात्रा, मंडी हाउस से अक्षरधाम तक किया सफर, अक्षरधाम मंदिर भी घूमे। भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा, पाकिस्तान ने रॉ का जासूस बताकर बलूचिस्तान से किया था गिरफ्तारी का दावा।